हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ मैथ। देखिए, लास्ट वीडियो में जो कि आज ही अपलोड हुई है, उसमें थ्योरम नंबर 2 तक कराया था, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2 रिंग थ्योरी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश ये रहेगी चैप्टर ख़त्म कर दूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्पीड से पढ़ते हैं। जो फालतू की चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये सब छोटी छोटी थ्योरम्स हैं और मे बी दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो वी आर हेयर टू प्रूव दैट। अच्छा, देखिए बड़ा सिंपल सा था। इसके पिछले चैप्टर में बताया था कि क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन फील्ड की एक हेडिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट से राइट लाना है। सिंपल, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, बट हाँ थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ करते हुए। क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक ए बी इनवर्स ब्रैकेट में, और ये तो क्वेश्चन वाला सीन है, सी डी इनवर्स। अब आपको बताइए कि ये फील्ड है, इफ़ दिस इज़ अ फील्ड देन इट विल इट मस्ट फॉलो दोज ऑल फाइव रूल्स लाइक कम्यूटेटिविटी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड ब्ला ब्ला। सो वी कैन राइट इट एज ए इंटू ए और सी को मैं पास में कर ले रहा हूँ एंड ब्रैकेट ट्रांसफ़र करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऐसी एसोसिएटिविटी। ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज इज इक्वल टू ए सी, और आप एक काम कर लें कि लाइक डी इनवर्स और बी इनवर्स को मैंने प्लेस चेंज कर दिया, एंड यू नो वेरी वेल विच रूल और लॉ यू आर यूजिंग, यू मस्ट राइट ओवर देयर दैट वॉट यू हैड यूज ओवर हेयर इट इज़ कम्यूटेटिविटी, सो राइट इट हेयर। क्यों हमने किया क्या है, बी इनवर्स डी इनवर्स का प्लेस चेंज कर दिया। अब आपको पता है इसे एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप इनवर्स को ऑपरेट करते हो तो अगर होल पावर में लगाओ तो आपस में चेंज हो जाते हैं वो। दिस इज़ कॉल्ड एज शॉक शूज प्रॉपर्टी और रिवर्सल लॉ। ठीक है, शॉक शूज प्रॉपर्टी, हिंदी में मोजा जूता प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा नहीं है, हिंदी मत लिख के चले आना। ठीक है, सो अभी क्या होल इनवर्स, आपको पता है ये कोई एक एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट का इनवर्स है, तो आप बताइए क्वेश्चन क्या करता है, उस इनवर्स को नीचे पहुंचा देता है। तो दिस वाज देयर टू प्रूव, ये आर एट एस था, एंस प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे, थोड़ा वीडियो एक दो बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखिए, जो थ्योरम एकदम कभी भी नहीं आई है और विच साउंड्स टू बी नॉन इम्पॉर्टेंट, आई एम लिविंग दोज नॉन इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। अगर इम्पॉर्टेंट लगेगा एमसीक्यू के लिए होगा, तो दैट विल बी कवर्ड इन योर एमसीक्यू कोर्स विच वी आर गोइंग टू लॉन्च इट सून। ठीक है, बहुत जल्द ही आई थिंक 20 से 25 दिनों में लॉन्च कर देंगे आपके एग्जामिनेशन से, मतलब एक दो हफ्ते पहले। ठीक है, दैट आई हैड टोल्ड अबाउट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आई हैड गिवन इन सम वीडियोज़। इफ़ यू वॉन्ट दैट यू कैन हैव एन काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विद मी डायरेक्टली और प्राइवेटली टू दैट यू नो टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए ग्रुप बना रखा है, सिंपली आप वहाँ बात कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी वेरी लेस वैल्यू, लाइक 200 रुपीज़ ओनली, इन विच यू आर प्रोवाइडेड द फुल एमसीक्यूज़ ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, और किसी दूसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं अगर आप, तो यू कैन ऑल्सो यू नो मैसेज मी दैट यू वॉन्ट इट। तो वैसे सेमेस्टर 4th का तो पूरा वैसे भी अपलोडेड है, तो वो तो फ्रीली आप एक डेमो के लिए उसे ले सकते हैं कि कैसी ट्रिक्स हैं उसमें, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट विल बी यू नो यूज़फुल फॉर यू। चलिए देखते आगे। थ्योरम नंबर 4 इज़ व्हाट। देखिए, अगला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। एनी फील्ड कंटेनिंग द इंटीग्रल डोमेन आई, कोई एक फील्ड है जिसके पास इंटीग्रल डोमेन है, वो तो सही बात है, रिंग से बड़ा इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन से बना बड़ा हमारा फील्ड, तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन को तो रखेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं लिख दी। कह रहा है कि कंटेन्स अ सब फील्ड, कह रहा है कि इसका एक सब फील्ड है, फील्ड का एक सब फील्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि वो आइसोमॉर्फिक होगा टू द क्वोशेंट फील्ड ऑफ आई, कह रहा है इसका एक क्वोशेंट फील्ड अगर बनाए जिसमें ए अपॉन बी टाइप एलिमेंट हो, तो वो सब फील्ड यानी फील्ड के एक आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अच्छी बात है। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या क्या होता है, पहले तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, तो चलिए उसके लिए एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी।
कोई बड़ी बात नहीं, पहले हम लिख लेते हैं लेट एफ बी अ फील्ड, एफ डैश बी अ सब फील्ड एंड एफ डबल डैश बी अ क्वोशेंट फील्ड ऑफ आई। ठीक है, तो मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो देखिए डिफाइनिंग अ मैप, एक मैप डिफाइन करते हैं विच इज़ लाइक सिंपल सा एक मैपिंग। देखिए हमें जो आई के एलिमेंट्स हैं वो मैप हमारा ये है एफ फ्रॉम, जो हमारे कहाँ से कहाँ तक करना है, आई के क्वेश्चन फील्ड से लेकर के सब फील्ड तक, फील्ड के सब फील्ड तक। तो हमने क्या किया भाई, ये क्वेश्चन फील्ड है तो ए अपॉन बी यहाँ से ले लिया, कहाँ तक लेके जाना है, इसी में लेके जाना है भाई, फील्ड में लेके जाना है तो उसी के एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए ए बी इनवर्स से भाई। कुल मिला के ये एक तरीके से इस तरीके का हमने मैपिंग एक ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, मैपिंग को हमें प्रूव करना है पहले तो होमो, तो हेडिंग मैपिंग इज होमो, होमो पहले प्रूव करते हैं। चलिए होमो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है, दो अलग अलग वैल्यूज़ ले लीजिए एज टिक या लेट कर लो, लेट ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी बिलोंग्स टू एफ डबल डैश। तो अब लीजिए जरा एफ ऑफ दोनों का एडिशन ले लीजिए, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये अलग अलग आना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको जैसे लिखते थे लिख लीजिए भाई, ऐसे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए डी इंटू बी सी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो नीचे वाला एलिमेंट है यहाँ पे इन्वर्स करके आएगा, तो नीचे वाला एलिमेंट यहाँ पे इन्वर्स करके करके इसको अलग अलग कर लेते हैं जैसे कर रहे थे, ये तो आपको आता ही है, बिल्कुल अलग तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमको पता है जो इसके पहले की थ्योरम्स में हम लोगों ने किया था। तो देखिए ज़रा क्या होगा, ए डी लास्ट लिख ले रहा हूँ मैं, ए बी इन्वर्स, इसके पहले की थ्योरम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहाँ तक लिखा था। ठीक है, तो ए बी इन्वर्स तक पहुँचा था प्लस सी डी इन्वर्स तक पहुँचा था। अब आपको पता है ए बी इन्वर्स को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए अपॉन बी, और सी डी इन्वर्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ सी अपॉन डी। तो ये तो प्रूव हो गया, होमो प्रूव हो गया, इट इज़ एन होमो, इट इज़ अ होमो। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी है वो हमारा एफ इज़ वन वन प्रूव करना है इस मैपिंग को। चलिए करते हैं, तो देखिए ज़रा दो एक जैसी वैल्यूज़ को हम इक्वल पहले मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी अपॉन डी। ठीक है, सी अपॉन डी सेम मान लिया, अब ये हो जाएगा हमारा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू सी डी इनवर्स। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। तो भाई ए बी इनवर्स को ए अपॉन बी लिख सकते हैं और सी डी इनवर्स को सी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो एफ ए लेके चले थे और वो उसकी इंटरनल की वैल्यू आपस में एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया और एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, तो वन वन हो गया, है ना। अब ये वन वन तो हो ही गया। ऑल्सो वी कैन राइट दैट कि ईच एलिमेंट के लिए ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश देयर एग्जिस्ट, आप वाई ले सकते हो, वाई बिलोंग्स टू एफ डबल डैश। तो ये ऑन टू भी दे दिया इसने, ठीक है, ऑन टू हो गया, होमो हो गया। अच्छा, होमो हमने एडिशन वाला किया, अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको कर लेना चाहिए। लाइक देखिए अगेन एफ ऑफ अगेन मैं लिख सक रहा हूँ, वहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एफ ऑफ ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, आपको पता है इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। इसे हम ये लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी डी, ये डायरेक्ट था, है ना। डायरेक्ट लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, ये भाई जो भी लिखा है कैसे ऑपरेट हो रहा था, ऊपर वाला ऐसे लिख दिया जा रहा था और नीचे वाले का इनवर्स, यही तो लिया था हम लोगों ने मैपिंग लेट किया था। अब इसे अलग अलग करके एट लास्ट हम लोग पहुँच जाएंगे, आपको आता है पिछली वाली थ्योरम में करा है मैंने, सो इट विल बी रिटन एज ए अपॉन बी, आप इसको करिएगा, मैंने एक लाइन छोड़ दी, एक दो लाइन। ठीक है, ये कैसे हुआ, हाउ, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए यू कैन आस्क दिस टू आर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए उसे और आराम से उस पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए भाई दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं विच आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दीज आर आस्क्ड इन योर यू नो लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, दीज कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है, आप समझ लेते हैं इसको, थोड़ा दिमाग में रखते हैं। लाइक शो दैट एवरी प्राइम फील्ड, जो प्राइम फील्ड जितने भी होंगे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज़ आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। देखिए सिंपल सी बात है, प्राइम आ गया तो प्राइम तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता ही है, क्यों, प्राइम क्या लेके आता है,
एक लाता है आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लाता है, और एक लाता है सेल्फ। प्राइम नंबर क्या लाता है? वन से डिवाइड होता है और सेल्फ से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता है। तो जब दो ही चीज़ें हैं, वन से ही डिवाइड होगा और सेल्फ सेल्फ से ही होगा, तो आप समझ पा रहे हैं, वन से वन की ही मैपिंग हो पाएगी, और दो ही होंगे तो के दोनों मैप हो जाएंगे, तो ऐसे में वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा, याद रखेगा। ये चीज़ यहाँ पे भी दूसरे शब्दों में लिखी हुई है, एवरी फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी वेयर पी इज़ प्राइम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आई पी प्लस पी इन टू पी, वेयर आई पी की वैल्यू ये है। आपको पता है आई पी मतलब, समझ रहे ना, ये मॉडुलो वाला सीन है, पी से डिवाइड होगा फिर इसी में से आ जाएगा। तो भाई पी प्राइम है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा, याद रखिएगा दोनों को। और आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बड़ा ही ठीक ही क्वेश्चन है, देखिए एक बार सुन लेते हैं इसको भी, सिंपल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी यूजिंग इट्स एलिमेंट्स, इसी के एलिमेंट उठाने हैं और एक डिफाइन कर रहे हैं नया रिंग आर डैश, ठीक है, आर बार बोल सकते हो, उसको बार बोलना सही रहेगा, आर बार बोलेंगे। तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं? एक नया ऑपरेशन ले लें, प्लस जो कि अजीब टाइप का है और इनटू है जो कि सर्कल में बंद है, तो उसके ऑपरेशन कुछ इस टाइप के हैं दोनों के। कह रहे हैं कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म में होमो दिख ही रहा है, होमो में तो खुद ही अलग अलग हो गए, हमें क्या करना है कि आइसो बनाना है, यानी वन वन और ऑन टू होना चाहिए, तो ऑन टू भी हो जाएगा, हमें वन वन की बात है, ठीक है। तो अगर हम इन्वर्स प्रूव कर पाए, आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स प्रूव करते समय एक चीज़ ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है, अगर इन्वर्स एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो एक चीज़ ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है कि वो वन वन होगा और ऑन टू होगा, ये चीज़ दोनों ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है। तो अगर इन दोनों ऑपरेशन से हम इन्वर्स प्रूव कर पाए, तो दैट मीन्स कि इन्वर्स एलिमेंट बिलोंग करता है, और इन्वर्स एलिमेंट बिलोंग करता है इसका मतलब यूनिक इन्वर्स होता है, और जब भी यूनिक कोई चीज़ होती है तो वन वन और ऑन टू तो होती ही है, यूनिक मतलब ही होता है वन वन, ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्स एलिमेंट एक चीज़ और समझ लेते हैं, इन्वर्स तभी होगा जब इधर से इधर में वन वन की मैपिंग होगी और उधर से इधर भी वन वन की मैपिंग होगी। तो आप खुद समझ जाइए, जब इधर से मैपिंग ले रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं छूटेगा, जब उधर से मैपिंग लेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं छूटेगा, ओवरऑल कोई कहीं पे नहीं छूटेगा, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ठीक है भाई, चलिए करते हैं, फॉर जो पहला वाला है हमारा ऑपरेशन उसके लिए बात करते हैं, ठीक है, फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस, आज मेरा ये पेन नहीं चलेगा सही से, जब ज़्यादा मुझे पढ़ाना है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए, अगर हम, आपको पता होना चाहिए भाई, ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग करे क्योंकि वो एक रिंग है कि नहीं, ए प्लस ज़ीरो प्लस वन चलेगा ना, तो ये तो ए ही हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये तो ए ही हो जाएगा, और राइट में हो जाएगा आपका ए प्लस वन, ठीक है। एक चीज़ ज़्यादा ध्यान से देखिए, अच्छा ज़रूरी तो है ना कि ज़ीरो ही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो हम यहाँ पे ई लिखना ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे ई लिख लेना चाहिए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ए और ई। अब देखिए आइडेंटिटी इसकी क्या आएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि प्लस के केस में ज़ीरो ही आइडेंटिटी है, वाला गड़बड़ा गया, तो चलो कोई नहीं, ई लेके करते हैं। देखिए आइडेंटिटी मिलती क्या, और मिलेगी तो क्या इसमें होगी, चलिए देखते हैं। तो ए प्लस ई करेंगे तो आएगा तो ए ही है ना, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हो, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं डालती। तो राइट में हो गया ए प्लस ई प्लस वन, ए से ए कैंसिल, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ई प्लस वन और ई इज इक्वल टू माइनस वन, यूनिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ये तो बिलोंग कर ही रहा है। अच्छा, अब ई इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, तो अगर हम इसको वहाँ पर ऑपरेट करें, ठीक है, लाइक ए ऑपरेशन ए इनवर्स लगाएं अगर, ठीक है, प्लस वाला, तो क्या होगा भाई, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ई लिख सकते हो, ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, और यहाँ क्या माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन, ठीक है। अब ए इनवर्स अगर निकालना है तो बाकी सारे वैल्यूज़ को राइट में भेजना पड़ेगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा अपना माइनस टू, और क्या आ जाएगा, माइनस टू और माइनस ए विच बिलोंग्स, ठीक है, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया सीन, ये तो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग, आर बार कर दीजिए, और एक मल्टीप्लिकेशन वाला इनवर्स ले लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का केस उठा लेते हैं, ए डॉट ई ले लेते हैं, तो वो क्या है, ए का मल्टीप्लिकेशन है प्लस
ए प्लस ई है आई थिंक, है ना, जो ऑपरेशन था हमारा ए प्लस ई। तो यहाँ पे तो हो जाएगा अपना ए ही, क्योंकि ऑपरेशन ई से करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें ई अगर हम कॉमन ले लें तो लाइक ए प्लस वन बचेगा, है कि नहीं, और प्लस ए तो है, ए से ए कैंसिल हो गया, सो दैट मीन्स ज़ीरो इज इक्वल टू ई टाइम्स ए प्लस वन। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ए नॉन ज़ीरो लें तो ई की वैल्यू हमारी ज़ीरो अपॉन ए प्लस वन आ रही है। अगर हम ए नॉन वन लें, मतलब नॉन माइनस वन, ए की वैल्यू अगर हम माइनस वन नहीं लें, ठीक है, तो ये हमें ई की वैल्यू दे रहा है ज़ीरो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे इतनी आ रही है। तो ज़ीरो तो बिलोंग करता ही है, क्योंकि ये एडिशन के लिए पूरा का पूरा रिंग की बात हो रही ना, एडिटिव आइडेंटिटी तो बिलोंग होती है, तो ये बिलोंग हो गया, यानी ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि ये प्रूव करता है कि वन वन ऑन टू है, ठीक है, वन वन और ऑन टू ये दोनों ही है, और होमो तो ये खुद ब खुद ऐसा ऑपरेशन ही है कि ये होमो भी है, तो ओवरऑल क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट एज वेल। देखिए डी एक इंटीग्रल डोमेन है और अपना एफ एक फील्ड है, तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट, हम इसमें भी आइसोमॉर्फिज्म ही प्रूव करना है, ए और बी बिलोंग करा लिया मैंने डी से, और फाई ऑफ बी को हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, ठीक है। और ये किस तरीके से डिफाइंड, आपको पता है ए कॉमा वन, मतलब ये कि ऑर्डर पेयर में बदल जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा बी कॉमा वन। आपको पता है दो ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ऐसे केस में हमको ऑन कंपेयरिंग, यानी वी हैव टू कंपेयर, हमें कंपेयर करना चाहिए ऐसे केसेस में, सेम चीज़ें हटा दी जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें ले ली जाती हैं। तो ए इज़ इक्वल टू बी आ गया, आप सिंपल सा सामने देख सकते हैं, और ए इज़ इक्वल टू बी आ गया, दैट मीन्स कि दिस इज़ वॉट वन वन है, ठीक है, ये वन वन हमारा हो गया। ऑन टू कैसे, फॉर ईच वही लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स कॉमा वन बिलोंग्स टू एफ, फॉर एवरी गलत नहीं बना दिया मैंने, फॉर एवरी का साइन ये नहीं होता बच्चों, फॉर एवरी का साइन ये होता, फॉर एवरी दिस देयर एग्जिस्ट यू नो एक्स बिलोंग्स टू डी, ठीक है, सो ये ऑन टू भी होगा, ठीक है। और होमो करना है भाई, होमो भी कर लो, चलो होमो कर देते हैं। अगेन हम क्या करने वाले, एफ ऑफ ए, दोनों का एक बार एडिशन ले लेते हैं, एक बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन, भाई होमो में दो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो ये क्या होगा, ये क्या करता है, ये जैसे जैसे डिफाइंड होगा वैसे ये वही काम कर देगा, तो ए प्लस बी कॉमा वन, क्या हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल ए कॉमा वन। और भाई सिंपल सी बात है, बात हो रही फील्ड की, फील्ड में रिंग आ जाएगा, इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है उसमें भी रिंग आ जाएगा, रिंग में सब रिंग आ जाएगा, सब रिंग की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर दो एलिमेंट को एक जैसा एक बारी में जोड़ते थे तो चाहे S को दो बार, 10 बार, 15 बार जोड़ सकते हैं तो वो वही आता था। तो क्या हम इस वन को दो बार नहीं लिख सकते हैं जैसे S को लिखा करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमें प्रूव करना है। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, एंड अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेना चाहिए, ए इंटू बी, सो ए इंटू बी विल बी कन्वर्टेड इंटू ए इंटू बी कॉमा वन, बिल्कुल वैसा ही केस इसमें भी कर देंगे, ए कॉमा वन इंटू बी कॉमा वन। अब इसे आप जानते हो क्या लिख सकते हो, एफ ए और एफ बी, क्योंकि सब रिंग का केस है, रिंग का केस है, इंटीग्रल डोमेन का केस है, सबके सब सुपर सेट्स हैं, तो वो तो जो सबसेट्स हैं वो तो उनकी प्रॉपर्टी उन पे भी लगेगी, सो होमो भी हो गया, ठीक है, होमो भी हो गया, यानी कुल मिला के क्या हो गया, आइसो हो गया, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। देखिए डेफिनेशन इसकी बड़ी ही सिंपल है, क्या है सुनते हैं, क्या है ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन। देखिए इंटीग्रल डोमेन ही होगा तो कह सकते हैं दी इंटीग्रल डोमेन आई
प्लस इनटू विच फॉलोज फॉलोज द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी. एक मैंने बहुत स्टार्टिंग हो सकता है बता हो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी फॉलोज द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी मतलब ऐसा लॉ जिसमें तीन ट्राई मतलब तीन होता है तीन कंडीशन में से कोई एक ही लागू हो. ठीक है ऐसे इंटीग्रल डोमेन को ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं. अब ये इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं और आप कह सकते हैं समझिए क्या अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ देखिए फॉर ए बिलोंग्स टू आई कोई अगर हम आई ले लें ठीक है इंटीग्रल डोमेन में इफ़ डी बी द सबसेट इफ डी बी अ सबसेट ऑफ आई देन कोई एक ही देन एनी वन ऑफ ए बिलोंग्स टू डी माइनस ए बिलोंग्स टू डी और या तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा या तो माइनस उसी का नेगेटिव बिलोंग करेगा या तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू डी इन तीनों में से देन एनी वन ऑफ दीज ठीक है एनी वन विल होल्ड गुड इनमें से कोई एक ही काम करेगा मतलब ट्राइकोटोमी में से इनमें से कोई एक ही जिसमें में बिलोंग करेगी. ठीक है अगर ऐसा हम कोई सेट बना पाए ठीक है ना तो वो इंटीग्रल डोमेन का सबसेट होगा और साथ ही साथ वो ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन होगा. ठीक है ये क्लियर है बात. ये आपका जो पॉइंट है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा एमसीक्यू पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक छोटा सा नोट है इसमें दैट इज़ व्हाट कि भाई अगर जो हमारे एलिमेंट हैं जो डी में हम ले रहे हैं उनका एडिशन देख लेते हैं समझाते हैं देखिए क्या है उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें बिलोंग करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव एलिमेंट की संज्ञा दी गई है नाम दिया गया इफ़ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी या इफ़ दो बार हो जा रहा है इफ़ हटा देते हैं यहाँ से. ठीक है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी इफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू डी अगर होता है ऐसा कुछ होता है देन जो हमारे एक्स कॉमा वाई है आर पॉजिटिव एलिमेंट्स इन्हें पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलेंगे. ठीक है एलिमेंट्स बट विच डू नॉट बिलोंग इनमें से जो एलिमेंट जो जिनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बिलोंग नहीं करता आर नेगेटिव एलिमेंट्स उन्हें नेगेटिव एलिमेंट्स की संज्ञा दी गई है. ठीक है नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ डी मतलब अगर उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन बिलोंग नहीं करता है डी के ही एलिमेंट का तो उन्हें नेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाएगा और वैसे उन्हें पॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाएगा. दी ये पॉइंट थोड़ा सा भाई स्पेशल पॉइंट है दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. तो ऑर्डर्ड की बात ये हो गई. ठीक है अब देखिए इस पे बेस्ड एक और आप कह सकते हो एक और डेफिनेशन आती है लिख देता हूँ उसे भी नोट में डाल देते हैं. ठीक है नंबर वन नंबर टू देखिए क्या है नंबर टू में अगर कोई हमारे पास ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है इफ़ आई बी एन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन
ordered integral domain. अगर कोई ordered integral domain है तो भाई एक डेफिनेशन बड़ी छोटी सी है. देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई. अगर मैं आई से दो एलिमेंट्स उठाता हूँ ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये बताइए, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना, और बिलोंग करेगा भी, सिंपल सी बात है ना. और अगर हम कहें ए बी से छोटा हुआ तो बी का ए के साथ डिफरेंस डी में बिलोंग करेगा, इसे पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. अगर हम यहीं पे ही ए माइनस बी कर देते तो नहीं बिलोंग करता, उसे नेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए नेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है. और अगर फॉर ए टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो तभी होगा जब ए में से ज़ीरो माइनस करें और वो बिलोंग कर जाए डी में. ठीक है, अब इस पे बेस्ड तो भाई कुछ ही इम्पॉर्टेंट एक आध दो है थ्योरम से, उनको देख लेते हैं. एक छोटा सा पॉइंट और है, देख लीजिए. वैसे थ्योरम जैसा ही है लेकिन ऐसे ज़्यादा सही रहेगा. वन जो होगा इज़ अ पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ जो वन हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, वो उसका पॉजिटिव एलिमेंट होता है. पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये किस लिए ज़रूरी है मैंने लिख दिया है, आपको पता है, ये नोट है, ये नोट हमेशा एमसीक्यू में ज़्यादा आते हैं. इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्योरम और है उसके बाद एक क्वेश्चन है. कह रहा है देखिए, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन. तो देखिए हम सिंपली कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब हमें आई की ज़रूरत पड़ती है ना. तो एक काम करते हैं, लेट आई बिलोंग्स टू आई जो है उसे हम अगर डी में बिलोंग करा लें थोड़ी देर के लिए, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई को दो बार लेने पर भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आई स्क्वायर भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, बिलोंग्स टू डी, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, जबकि आपको पता है इससे हम ये माइनस वन बिलोंग करना ऐसा हो नहीं सकता है ना, जबकि माइनस वन बिलोंग नहीं करना चाहिए. विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अभी जस्ट पहले इससे हम लोगों ने एक थ्योरम ही थी वो फिलहाल तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ी उसे. ठीक है, क्या हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि जो वन होता है उसका पॉजिटिव एलिमेंट होता है जो कि उसमें बिलोंग करेगा, यानी माइनस वन उसका नेगेटिव एलिमेंट होगा, तो वो उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना. अच्छा, तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव हो के आ गया कि हमारा जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता. ठीक है, इसे हम लोग ज़्यादातर याद किस केस में रखेंगे, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं ये तो पेपर में आएंगे नहीं, ये आपके एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आएंगी. ठीक है, दिमाग में रखेंगे सारी चीज़ों को, आगे काम भी आएगी. ठीक है, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो मुझे करा देना चाहिए, चलिए देखते हैं. देखिए भाई, द फील्ड ZP ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो P इज नॉट ऑर्डर्ड. सिंपल सी बात है, देखिए ZP है ना, तो ZP का हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक होगा, आपको पता है एक कम तक होता है ना. अब देखिए बात, अगर ये मॉडुलो है तो जितने भी एलिमेंट चाहे आप ऐड करेंगे चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो इस पी से बड़े, पी माइनस वन से बड़े होते हैं तो पी से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर लिखते हैं. तो आपका मन है तो दिमाग में रखिए, नहीं मन है तो इसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं, ये जितने भी हैं. ठीक है, बार का मतलब ही होता है बार शोज़ वॉट, ज़रूरी नहीं आप लगाएं, बार शोज़ वॉट कि आफ्टर डिवीज़न रिमाइंडर विल बी रिटर्न हेयर, रिमाइंडर ही आता है यहाँ पर. ठीक है, शेषफल, तो ज़रूरी नहीं है लगाने का मन है, लगा दो, बुक्स में लगा मिलेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है. अच्छा, अब देखिए ऐसे अगर चलता रहे, ठीक है, और कभी ऐसा आए, अगर ये बताइए, लेट जो हमारा पी माइनस वन और टू बिलोंग करेगा ना ZP में, एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं.
है, ऐड करते हैं, एक सेकंड। ये फिर देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखिए, ये अगर हम जेड पे ले रहे हैं, जेड में हमारा है, जेड पी में, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको पी से डिवाइड करें और उसके बाद लिखें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, या फिर आप यूँ कह लें कि पी डिवाइड होगा तो पी हट जाएगा, तो माइनस वन ही बचेगा, सिंपल सी बात है ना। अब आप ये बताइए, अगर ये ऑर्डर्ड होता तो माइनस वन तो इसमें बिलोंग नहीं होता है ना। विच शोज शोज दैट दैट इट इज़ नॉट नॉट ऑर्डर्ड। बच्चों बड़ी थोड़ी अजीब सी राइटिंग बन जा रही है, एक सेकेंड। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसके पिछली वाली भी हमने ऐसे ही प्रूव की थी कि वन जो होता है वो ऑर्डर्ड बेस ऑर्डर्ड का एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है, माइनस वन उसका एलिमेंट नहीं होता है, डज नॉट बिलोंग। अगर आ गया तो इसका मतलब ऑर्डर्ड नहीं है। तो यही प्रूव करने की कोशिश हमेशा रहेगी। आप यहाँ पे पी से डिवाइड करके पी को हटा सकते थे है ना, या फिर आपका मन है तो पी की जगह पे जीरो रख के भी कर सकते थे। ठीक है, पी को जीरो रखो, चाहे आपको पता है किसी भी एलिमेंट में डिवाइड कर दो भाई, पी से पी माइनस वन को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या रिमाइंडर। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम समझाते हैं आपको, देखिए कैसे करते हैं इसको। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पी से हम डिवाइड करेंगे पी माइनस वन को, कितनी बार जाएगा, वन टाइम्स में जाएगा, पी वन ज़ा पी माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन बचा, आखिरकार रिमाइंडर वन माइनस वन बचा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बात ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए इस चैप्टर का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बचा है, दैट विल टेक आर मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग चैप्टर 5 पे चलेंगे और 6 करके पूरा ख़त्म कर देंगे बुक, रिंग थ्योरी वाली जो पार्ट है उसका बुक का वो ख़त्म कर देंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा पे आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, तो आज 2 वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, इसके बाद जो वीडियो मिलेगी वो ऑलमोस्ट 50 मिनट की एक वीडियो होगी, कोशिश ये रहेगा उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब बस आप लोग पढ़िए और वीडियोज़ का लुत्फ़ यानी आनंद उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।